महज 4 दिन पहले दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक मुलाकात हुई थी। चीन ने अधिकृत बयान में कहा कि ये मुलाकात मोदी जी के आग्रह पर हुई है। हमारे सरकार के सूत्रों ने मीडिया को ये बताया कि मोदी जी ने बड़े सख्त लहजे में और तल्ख शब्दों में शी जिनपिंग से, जैसे उनको करना चाहिए था, उन्होंने शी जिनपिंग से बात की एलएसी को लेकर, घुसपैठ को लेकर। 4 दिन बीते नहीं थे कि चीन ने एक नक्शा रिलीज किया अपना और उसमें हमारे अरुणाचल प्रदेश, हमारे अक्साई चीन को अपना हिस्सा दिखा दिया। तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि चीन की यह धृष्टता करने की हिम्मत कैसे हुई कि हमारी भूभागीय अखंडता के साथ वो खिलवाड़ कर सके, और प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों का क्या प्रभाव है। एक वीडियो आया जिसमें शी जिनपिंग बैठ गए सोफे पर, मोदी जी खड़े हुए हैं। मोदी जी बात करते थे लाल आंख दिखाने की, मोदी जी बात करते थे सख्त शब्दों की। क्या सख्त शब्द बोले उन्होंने कि 4 दिन के अंदर चीन फिर से यह हिमाकत कर रहा है कि हमारे भूभागीय अखंडता के साथ खिलवाड़ करेगा। मेरा अपना मानना है कि 20-20 बार चीन से मुलाकात हुई है मोदी जी की, 18 बार तो वो चीन गए हैं। महाबलीपुरम पर शहनाई सुनी शी जिनपिंग के साथ बैठकर, साबरमती में झूले झूले, उसके बाद गलवान में 20 जावाजों की शहादत हो जाती है और फिर सारे देश को बोला कोई घुसा हुआ नहीं है। 19 कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हो चुकी है और अभी भी अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति नहीं बदली है। हम वहां नहीं पहुंचे दोबारा से। हम जहां तक गश्त करती थी हमारी सेना, वहां गश्त नहीं कर पा रही है। जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे उनको बफर जोन बना दिया गया है। 20 जाबाजों की शहादत के बाद हमने चीन से लगातार व्यापार बढ़ाया। चीन और हमारा व्यापार घाटा $100 बिलियन क्रॉस कर गया। यह सब अपनी जगह जो बातें हैं, ये बार बार कही जाती रही है, बार बार आगाह किया गया है सरकार को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज इस बात का है कि नरेंद्र मोदी जी और शी जिनपिंग की क्या मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग का क्या परिणाम था कि चाइना ने यह फिर से धृष्टता करी है और हमारी जगहों को, हमारी राज्यों को, हमारी जमीन को, हमारी सरजमी के हिस्से को अपना दिखाया। इस बात का जवाब तो सरकार से आना ही पड़ेगा। महज 4 दिन पहले दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक मुलाकात हुई थी। चीन ने अधिकृत बयान में कहा कि यह मुलाकात मोदी जी के आग्रह पर हुई है। हमारे सरकार के सूत्रों ने मीडिया को यह बताया कि मोदी जी ने बड़े सख्त लहजे में और तल्ख शब्दों में शी जिनपिंग से, जैसे उनको करना चाहिए था, उन्होंने शी जिनपिंग से बात की एलएसी को लेकर, घुसपैठ को लेकर। 4 दिन बीते नहीं थे कि चीन ने एक नक्शा रिलीज किया अपना और उसमें हमारे अरुणाचल प्रदेश, हमारे अक्साई चीन को अपना हिस्सा दिखा दिया। तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि चीन की यह धृष्टता करने की हिम्मत कैसे हुई कि हमारी भूभागीय अखंडता के साथ वो खिलवाड़ कर सके, और प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों का क्या प्रभाव है। एक वीडियो आया जिसमें शी जिनपिंग बैठ गए सोफे पर, मोदी जी खड़े हुए हैं। मोदी जी बात करते थे लाल आंख दिखाने की, मोदी जी बात करते थे सख्त शब्दों की। क्या सख्त शब्द बोले उन्होंने कि 4 दिन के अंदर चीन फिर से यह हिमाकत कर रहा है कि हमारे भूभागीय अखंडता के साथ खिलवाड़ करेगा। मेरा अपना मानना है कि 20-20 बार चीन से मुलाकात हुई है मोदी जी की, 18 बार तो वो चीन गए हैं। महाबलीपुरम पर शहनाई सुनी शी जिनपिंग के साथ बैठकर, साबरमती में झूले झूले, उसके बाद गलवान में 20 जावाजों की शहादत हो जाती है और फिर सारे देश को बोला कोई घुसा हुआ नहीं है। 19 कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हो चुकी है और अभी भी अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति नहीं बदली है। हम वहां नहीं पहुंचे दोबारा से। हम जहां तक गश्त करती थी हमारी सेना, वहां गश्त नहीं कर पा रही है। जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे उनको बफर जोन बना दिया गया है। 20 जाबाजों की शहादत के बाद हमने चीन से लगातार व्यापार बढ़ाया। चीन और हमारा व्यापार घाटा $100 बिलियन क्रॉस कर गया। ये सब अपनी जगह जो बातें हैं, ये बार बार कही जाती रही है, बार बार आगाह किया गया है सरकार को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज इस बात का है कि नरेंद्र मोदी जी और शी जिनपिंग की क्या मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग का क्या परिणाम था कि चाइना ने यह फिर से धृष्टता करी है और हमारी जगहों को, हमारी राज्यों को, हमारी जमीन को, हमारी सरजमी के हिस्से को अपना दिखाया। इस बात का जवाब तो सरकार से आना ही पड़ेगा।